नमस्कार, मैं निकिता, प्राइम न्यूज 24 में खबर मंडी धनौरा जिला अमरोहा से है, जहां झोलाछाप डॉक्टरों की इलाज के दौरान मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन जनपद के किसी न किसी शहर में झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से कोई न कोई मौत की बलि चढ़ ही जाता है। उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग और जनपद के आला अधिकारी झोलाछाप डॉक्टरों पर कोई भी शिकंजा कसने को तैयार नहीं है। नगर में एक झोलाछाप के गलत इंजेक्शन लगाने से 3 दिन के नवजात की मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों ने क्लिनिक पर काफी हंगामा खड़ा कर दिया। मामला यह था, 22 तारीख में डिलीवरी हुई, हमने यहाँ लड़का भर्ती करा अस्पताल में। भर्ती करने के बाद शाम तक बच्चा रियाज में कोई चार बजे तक भर्ती, 4 बजे के बाद हमने निकाल लिया। निकालने के बाद दवाई दे के उन्होंने घर भेज दिया। घर भेजने के बाद कल फिर बुलाया था उन्होंने, कल हम फिर दिखाने लाए थे, कल गुरुवार को कल दिखाने के बाद फिर आज बुलाया था उन्होंने, आज आए थे हम। अच्छा, कितने बजे आए थे? हम आए थे कोई 4:30 बजे। आज क्या हुआ, फिर क्या करा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बुलाया के इंजेक्शन लगाए, 2 इंजेक्शन लगाने के बाद 2-3 मिनट बाद बच्चे के नाक और मुँह से खून आया, बच्चा खत्म हो गया मौके पे। डॉक्टर ने एम्बुलेंस बुलवाई, एम्बुलेंस बुला ली हमने, एम्बुलेंस के बाद उसमें गाड़ी में बैठा दिया हमें। हम डॉक्टर से बोले तुम भी साथ चलो, डॉक्टर बोला मैं चेले को भेज रहा हूँ अभी, चेले वेले तो कोई आया नहीं, डॉक्टर ही भाग गया। अच्छा, इसका नाम क्या है जहाँ भर्ती कराया था? नाम टी के राणा। डॉक्टर का नाम TS राणा है। TS राणा। मेडिकल का उसका क्या नाम है, क्लिनिक का? आदर्श अल्ट्रासाउंड। कार्रवाई आपने क्या करा थाने में, क्या करना है? थाने में तहरीर दिया आपने? थाने में तहरीर दी है, रिपोर्ट करना है, कार्रवाई चाहते हैं डॉक्टर के खिलाफ। नवजात के पिता की ओर से डॉक्टर के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। बच्चे की मौत होते ही डॉक्टर मौके से फरार हो गया। बच्चे की मौत से गुस्साए परिजनों ने क्लिनिक पर तोड़फोड़ कर हंगामा करना शुरू कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। नवजात के पिता परम सिंह की ओर से डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दे दी गई है। प्रभारी निरीक्षक सवेंद्र शर्मा का कहना है कि नवजात के पिता की ओर से तहरीर मिली है, डॉक्टर के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्राइम न्यूज 24 के लिए अमरोहा से प्रदीप कुमार की रिपोर्ट।